हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। और आज जो है नया वीडियो हम लेने के लिए आया है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है इस रोड के बारे में, क्योंकि जब रोड का काम चालू था तो ये दिखता भी नहीं था, क्योंकि इसके कंपाउंड वॉल यहाँ से जो है अंदर लगा हुआ था। ये आपने देखा ही होगा, बंजारी नगर फेमस है पानी की टंकी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टैंकर लगे हुए हैं। पीछे का देख रहे हो, ये तुकड़ोजी स्क्वायर की तरफ से आता है, छोटा ताजबाग वाला रोड है। ये रोड यहाँ पे आके जो है एंड होता था, लेकिन अभी जो है यहाँ से पीछे में आप देख सकते हो कि पूरा रोड बन चुका है, रेडी हो चुका है। बहुत लोग बोल रहे थे कि यार नए रोड का वीडियो बताओ, तो आज यहाँ पे उद्घाटन भी है, शायद गडकरी सर जी आने वाले हैं यहाँ पे। और ये रोड जो है इधर से घूम के जाता था, ये रोड इधर पे निरुंद है, मेन रोड यहाँ पे एंड हो रहा था, और ये जो आगे से घूम के जाता था अजनी की तरफ, तो रोड निरुंद होता था। लेकिन अभी इधर से जाने वाले लोग जो है मेडिकल की तरफ में जाएंगे, और यहाँ से जो सीधा आप मेरे पीछे देख रहे हो ये रोड अजनी की तरफ में जाएगा। तो लोगों को बहुत घूम के जाना पड़ता था, लगभग 1 किलोमीटर का राउंड पड़ता था। अभी यहाँ से शॉर्टकट जाने के बाद में लगभग 200 से 300 मीटर हार्डली होगा जो उस साइड में चला जाएगा। तो इधर से जाने के बाद लोगों को सिग्नल और ट्रैफिक काफ़ी जो है दिक्कत होती थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी। और ये नागपुर का एक नया रोड बना है, कि नया रोड बोले तो यहाँ पर रोड नहीं था, इसके लिए एक नया रोड है, और पूरे अच्छे तरीके से नया पूरा सारे फीचर्स के साथ में इसको बनाया गया है। तो दिखने में भी लुक जो है बहुत अच्छा है, आपको पूरा रोड का व्यूज हम दिखाएंगे। वैसे मना है जब तक उद्घाटन नहीं हो जाता, तो थोड़ा सा पैदल वॉकिंग करके मैं आपको रोड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख रहे हो कि आप साइड में जो है पर्दे वर्दे लगे हैं, और ये जो जगह है ये क्वार्टर है, अजनी रेलवे का क्वार्टर यहाँ पे जो है बसा हुआ है, तो उसके सेंटर में से ये रोड गया हुआ है। और क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे उस पार के लिए यहाँ पे जो है बॉर्डर लगा हुआ है। ये रोड में पूरी फैसिलिटी दी गई है, आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है नीचे में एकल वालों के लिए है, और इधर में पैदल वॉकिंग वालों के लिए है, और यहाँ से जो है 3 लेन का रोड बनाया है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें गाड़ी ड्राइव करेंगे। डिवाइडर लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है रोड में, और पूरा प्रॉपर तरीके से अट्रैक्टिव है। लेकिन ये जो नया रोड है बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसमें स्पीड लिमिट दिया है कि 40 की स्पीड होनी चाहिए, और 500 मीटर का ये रोड है, तो काफ़ी हटके दिख रहा है यार ये जो रोड है, पूरा हटके दिख रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये रोड देख के, क्योंकि नागपुर में मुझे लगता है कि ये पहला रोड है इस तरीके से डिज़ाइन और पेंटिंग, और यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर्स, हाँ सेंटर में रिफ्लेक्टर वाइट वाले लगने के हैं, लेकिन जो किनारे में है यहाँ पर रेड वाला रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, और डिवाइडर की तरफ में येल्लो वाले रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। नागपुर वालों के लिए शॉर्टकट जाने के लिए बहुत इजी हो गया अभी, क्योंकि पहले पूरा घूम के जाना पड़ता था, सिग्नल पड़ता था, और बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि और अजनी में बहुत सारा नया जो है रोड और बस स्टैंड वगैरह और फ्लावर बनने वाले, तो टाइम है, उद्घाटन हो चुका था लेकिन कोरोना की वजह से जो है नहीं हो पाया उसका काम स्टार्ट, तो अभी वो काम स्टार्ट वो भी हो जाएगा। तो अच्छा लगा होगा रोड देख के आपको। तो अभी हम आ चुके हैं अजनी वाले रोड पे, जो आपको बोर्ड में दिख सकता है कि ये जो रोड है सीधा अजनी जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट साइड जो है बंजारी नगर वो पानी की टंकी पे जाएगा, जहाँ हमने पहला वीडियो लिया था। तो आगे पास में ही है, बंजारी नगर की तरफ जाता है। इधर भी काफ़ी साफ सफाई चालू है, रोड को पर्दा लगा दिया गया है साइड से, क्योंकि आज उद्घाटन है इसमें यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा इधर से भी अट्रैक्टिव रोड लग रहा है, काफ़ी अच्छा बड़ा चौक है, और बैरिकेड लगा दिए गए ताकि कोई गाड़ी इधर से उस तरफ ना जा सके, क्योंकि उद्घाटन आज शाम तक के होगा ऐसा कुछ बता रहे हैं, अभी कंफर्म टाइमिंग वगैरह कुछ पता नहीं है। तो इधर से भी देखने में जो आपको है रोड काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, अमेजिंग रोड है ना, और पूरा चौक आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये रोड को देख के सच में एक अलग ही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। क्या रोड पर स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं,
रिफ्लेक्टर लगे हैं साइड में, सिर्फ सेंटर में वाइट रिफ्लेक्टर शायद लगाना भूल गए या पता नहीं या फिर बाद में लगाएंगे, लेकिन इतना रोड कंप्लीट हो चुका है तो यार सेंटर में वाइट रिफ्लेक्टर तो लगवा देने चाहिए थे। ये एक कमी अब पता नहीं क्या हो, भूल गए या फिर जानबूझ के लगाए नहीं है। दोस्तों वीडियो देख के अगर आपको मज़ा आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नागपुर के ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो यार, घंटा दबा दो प्लीज़, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और सबसे पहले वीडियो नागपुर के हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेंगे।